نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم جو ہے حضور کی ولادت کی خوشی میں یہاں پر جمع ہیں یہ آج کا جو بیان کا عنوان ہے ٹاپک جو ہے It is faith is incomplete without the love of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है अगर दिल में हुजूर की मोहब्बत में कोई कमी है तो ये उनवान है मैं चाह रहा था कि इसको मैं तीन हिस्से में ब्रेकअप करूँ फर्स्ट हिस्सा रहेगा हुजूर की मोहब्बत और मिलाद के ताल्लुक से कुछ अर्ज करूँ उसके बाद फिर सेकेंड हिस्से में हुजूर के जो इम्पॉर्टेंट वाकियात आपकी ज़िंदगी में बारे में गुजरे मक्की दौर में हुजूर किधर पैदा हुए थे मक्के में पैदा हुए हैं तो आपकी उम्र मुबारक टोटल 63 इयर्स थी राइट 63 इयर्स आप लोग की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी आउट ऑफ विच 53 इयर्स मक्के पार मक्के मुकर्रमा में 53 इयर्स आप गुजारे और जिंदगी के आखिरी 10 साल मदीने मुनव्वरा में गुजारे राइट तो 53 इयर्स के इम्पॉर्टेंट वाकियात फर्स्ट हाफ में हम डील करेंगे फिर उसके बाद जो मदीने मुनव्वरा के जो इम्पोर्टेंट वाकियात है या तो मोजज़ात की शक्ल में या तो फिर कोई जंग के शक्ल में जो भी है वो इंशाल्लाह उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी रोशनी हम डालते हुए जाएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बे इंतहा शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला जो है हमारे को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम हस्ती इस दुनिया में मबूस फरमाए और अल्लाह ताला का और मजीद एहसान ये है कि अल्लाह ताला जो है आज हमारे को इस मुकाम पे बुलाया है एक साथ बैठकर अपने हबीब का कुछ जिक्र सुनने के लिए और उनकी विलादत की खुशी मनाने का एक जरिया हमको नसीब करना तो अल्लाह का इस नियमत पे हम कितना भी शुक्र अदा करें तो कम पहले के लोग हाँ आज भी लोग जो है इसको इस दिन को बड़े एहतमाम के साथ मनाते थे और मनाया जाता है आज भी क्योंकि हुजूर की आमद से जो है इंसान इंसान बना सबसे पहले अल्लाह ताला क्या किए सबसे पहले जो चीज़ बनाए हुजूर के नूर को बनाए तो हुजूर के नूर से लौह बना कलम बना अर्श बना जो आसमान सातों ज़मीन जन्नत दोज़ख सब वहाँ से एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है ना हर चीज़ की तो वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी हुजूर की नूर तो हुजूर 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में तशरीफ लाए राइट तो और हमको बहैसियत मुसलमान जो भी ईमान की दौलत मिली नमाज मिली रोज़ा मिला ज़कात मिली हज जो भी आप बोल हुजूर तशरीफ लाए तभी तो ये सब मिला तो हम आज के दिन को बड़ी खुशी से मनाते यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है जिसका मफहूम है लोगों ये हुजूर की मोहब्बत के बारे में हुजूर जो है अपने सहाबा को ताकीद फरमा रहे बोल रहे कि लोगों अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाया करो क्या इरशाद फरमा रहे हुजूर अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाया करो एहतियातन मतलब क्या बोलते हैं इसको एक एज ए सॉर्ट ऑफ गाइडेंस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को ये इरशाद फरमा रहे यहां तक कि इमाम तबरानी ये हदीस नकल करते हैं अल्लिमु औलादुकुम तराता खिसाल जिस तराता मतलब तीन खिसाल बोलो तो क्वालिटीज खिसाल मतलब क्वालिटीज जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहली क्वालिटी जो इरशाद फरमा रहे कि अपने औलाद को तीन क्वालिटीज जो सिखाओ बोल रहे हैं उसमें सबसे पहली क्वालिटी क्या है अपने हुब्ब नबी की अपने नबी की मोहब्बत अपने बच्चों को सिखाओ और सेकंड लव ऑफ योर फैमिली पहली क्या थी लव ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेकंड लव ऑफ योर फैमिली एंड थर्ड रिसाइट द कुरान ये तीन चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद के साथ ये इरशाद फरमाते हैं एक एक लफ्ज जो है वेरी इंपॉर्टेंट है तवज्जो फरमाने का कि देखो लव ऑफ नबी समझ में आया लव ऑफ फैमिली ये भी सिखाओ सिखाए बगैर कुछ नहीं होता हम देखते हैं ना रोजमर्रा के कोई मामा रहते कोई नाना रहते
हमारे वालिदैन क्या कहते हैं, बेटा नाना है उनकी इज्जत करो, एहतराम करो, ये होता ही नहीं. दिस इज द प्रोसेस राइट. और आगे कौन सा थर्ड वन, रिसाइट द कुरान. इधर लव ऑफ रिसाइटेशन ऑफ कुरान नहीं, या लव द कुरान नहीं. पहले दो कंडीशन जो क्वालिटीज थे क्या थे, लव के बारे में. तीसरा जब आया तो रिसाइट द कुरान, इसमें लव द कुरान नहीं आया. जब हम सोचते कि ये क्यों है, क्योंकि हुजूर का जो भी वर्ड निकलता, एवरीथिंग हैज सर्टेन वैल्यू. ऐसे ही हुजूर नहीं बोलते थे, रिसाइट द कुरान. क्योंकि जब हम बच्चों को सिखाएंगे कुरान पढ़ना, तो उनके दिलों में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कुरान की मोहब्बत पैदा होगी. जब पढ़ना नहीं आएगा तो फिर मोहब्बत नहीं आएगा. तो लव से पहले उधर क्या है, रिसाइट. हाउ टू रिसाइट, दे हैव टू लर्न हाउ टू रिसाइट. जब बच्चे सीख जाएंगे रिसाइट कैसा करना, तो ऑटोमेटिकली लव आ जाएंगे राइट. बट लव ऑफ नबी आज हम क्यों जमा है, पहले जो हमारा सेक्शन रहेगा लव ऑफ नबी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. बट ये हाउ डू वी इम्बाइब दिस थिंग, हाउ डू वी मेक आवर चिल्ड्रन लर्न हाउ टू लव द प्रॉफिट. ये इसके लिए भी एक तौर तरीका होना चाहिए. बोल के पकड़ नहीं सकते भाई हुजूर से मोहब्बत करो. तो इसके लिए बड़े क्या बोलते हैं, बड़े खास नुकात है इसके लिए. हाउ डू यू डू दैट. अब देखो बच्चों के साथ जब माँ बाप रहते हैं, आप सबके लिए, नॉट नेसेसरी माँ बाप, सबके लिए, कि जब बच्चों के साथ रहते हैं तो एक प्रोसेस के थ्रू उनको हमेशा जो है ये चीज पे डालो, एक मोमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड बनाओ. अब जैसा हम जब आज का बयान शुरू किए थे, एक ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू किए कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला हम नबी को इस दुनिया में भेजे. करेक्ट. हमको नमाज कैसा पढ़ना, कौन सिखाए. हालांकि नमाज क्या है, नमाज क्या है, फर्ज. लेकिन अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि तुम नबी को जैसा देखते हो नमाज पढ़ते हो वैसे पढ़ो. करेक्ट. जो नबी को कैसा कर रहे हो वो क्या हो गया, वो तो सुन्नत हो गई. लेकिन इधर नमाज क्या है, फर्ज. लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि तुम नबी को जैसा नमाज पढ़ते देखते हो वैसे ही नमाज पढ़ो. करेक्ट. तो अब ये नमाज फर्ज हुई या सुन्नत हुई, है तो फर्ज है, फर्ज. लेकिन जो तरीका है वो उनके बताए हुए तरीके. कैसा खाना, हमको इंसान कौन बनाया, कोई तो सिखाया होगा. कौन सिखाया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वरना आदमी जो है लेफ्ट हैंड से भी खा लेता, राइट हैंड से भी खा लेता, खाए बगैर हाथ धोए बगैर खाता. लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको जिंदगी का कैसा गुजारना ये सिखाए. राइट. तो एक ग्रैटिट्यूड पैदा करो, एक बच्चों को बैठाओ, बिठा के ये सिखाओ कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ होली प्रॉफिट. करेक्ट. आप जिंदगी में कुछ भी ले लो, दुआ मांगने का. राइट. आप गैर मुसलमान को देखो, मंदिर में जाता है, उसका कुछ तौर तरीका नहीं है. लेकिन हमारे पास एक इतना मुकम्मल निसाब है, बाकायदा अल्लाह और अदब से हाथ बांधता है, रुकू में जाता है, फिर सजदे में, हाइट हो, मतलब किसी के सामने आदमी अपना पेशानी और नाक को रख दे रहा है, किसके सामने, अल्लाह के. क्यों, सबसे बड़ा हुआ है. ये कौन सिखाया अपने को, नबी पाक सब होने के बाद, वो भी कंप्लीट नहीं हो, बताया गया अपने हाथ को उठाओ, उठा के दुआ मांगो. कोई और मजहब में है, आप कैथोलिक्स को ले लो, क्रिश्चियंस को ले लो, जूस को ले लो, कोई मजहब में है ऐसा इतना प्यारा तरीका भी पाने का. ये कौन सिखाए बेटा, तो ये ग्रैटिट्यूड पैदा करो. अब ये अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हुजूर आए हमारी जिंदगी में, हुजूर आए हमारी जिंदगी में और आके जो है ये सारा कुछ सिखाए. और मजीद ये कि जब उन लोग से बात करते हैं तो हुजूर की फैमिली के बारे में बात करो. राइट. एक तो ग्रैटिट्यूड हो गया. और क्योंकि सीरत, जब तक हम हुजूर की जिंदगी, हुजूर की फैमिली, सीरत मतलब उनकी सारी जिंदगी. राइट. तो फैमिली भी उसके अंदर आ गई, उनकी कैसा रोजमर्रा आप जिंदगी गुजारते थे, ये सारा कुछ उसके अंदर आ गया. हुजूर के वाइफ्स के बारे में जानो, उनके बच्चों के बारे में, उनके फैमिली के बारे में जानो, अहले बैत वतहार के बारे में जानो, आपकी प्राइवेट लाइफ क्या कैसी थी, आपकी पब्लिक लाइफ कैसी थी, आप वॉर्स को कैसे जाते थे, लड़ाई के लिए कैसा प्रिपेयर करते थे. राइट. आपके कंपेनियंस कौन कौन थे, ये सारा कुछ जब जानोगे तो ये मुकम्मल सीरत होगी. एंड इट इज अ कंसिस्टेंट प्रोसेस. एक रात बैठ के आज हम जैसे जमा हो गए, फिर नेक्स्ट ईयर फिर कभी टाइम मिला तो मिले या नहीं मिले, ऐसा नहीं होता. इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट. बैठो, बैठ के 10 मिनट 15 मिनट हर रोज निकाला करो, ताकि क्या होता उससे एक आदमी को फिक्र होती,
और आदमी को जब फिक्र हो गई तो ऑटोमेटिकली कैसा रिसाइट द कुरान आ गया तो ऑटोमेटिकली मोहब्बत पैदा। तो एक तौर तरीका मैं मेरे को जो समझ में आया मैं मेरे बच्चों के साथ भी ऐसे ही करता, रोज हर रोज पहले जब शुरू किया उसके बाद कुछ और अगर 3-4 दिन हो जाते तो वो लोग खुद मुझे याद दिलाते कि बाबा आज जो है हुजूर के बारे में सुनाओ। दे बिकम हंगरी फॉर, दे बिकम थर्स्टी। 3-4 दिन हो गए अगर हुजूर के बारे में कुछ मैं वाकया वगैरह नहीं सुनाया, मेरे ऑफिस की वजह से या कुछ और शेड्यूल की वजह से मैं अगर बैठ कर उन लोगों को कुछ नहीं सुनाया तो कभी फातिमा भी बोल देती बाबा आज कुछ नहीं, आज हुजूर का कुछ वाकया सुन। तो ऐसे ही होता, इट बिकम्स पार्ट ऑफ लाइफ। इसके जो है कई तरीके हैं, कोई महफिल मिलाद करता है, कोई नात की महफिल करता है, कोई सीरत की महफिल, बच्चों के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। उससे क्या होता है, बच्चों के कॉम्पिटिशन्स में एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट हो जाता है। मैं जब व्हेन आई लुक बैक एट माय चाइल्डहुड, मेरे को अच्छा याद है हमारे वालिद साहब क्या करते थे, मिलाद के मौके पर मस्जिद में कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो बच्चे साल भर में कुछ भी पढ़े, आज जैसा आज हाजरा आपके सामने 5-6 सूरह सुना, कोई और कोई हदीस पढ़े, कोई और कुछ पढ़े, तो जो जो याद किए वो लोग आके सुनाते थे। और कॉम्पिटिशन है मतलब उसके अंदर फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो है, सारों को प्राइजेस मिलने वाले। प्राइस में क्या होता है, एक छोटी नोटबुक, एक पेंसिल और एक छोटी सी बूंदी के पैकेट पर याद रह जाता था। साल भर हम लोग वेट करते थे वो दिन के लिए। तो ये सारा कुछ क्या है, एक तौर तरीका है कैसा, हाउ टू इम्बाइब द लव। और ये जो हमारे वालिद साहब किए थे ये सारों के वाले दिन करते, ये हमारे ये जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो वो हमारे को सौंप के गए। करेक्ट, हम अक्सर देखते हैं, हम जो है अक्सर देखते हैं कि दुनिया में क्या होगा अगर मेरे वालिद जो है फॉर एग्जांपल मुझे 1,00,000 रुपए विरासत में छोड़ के गए, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे बच्चों को उससे ज्यादा पैसा छोड़ के जाता हूँ कि नहीं। करेक्ट, यू एग्री विद मी और नॉट? यस। मेरे माँ बाप या दादा वगैरह मेरे को जितनी विरासत में पैसा मिला मैं मेरे बच्चों को उससे ज्यादा छोड़ के जाता हूँ, दुनिया की मेहनत करते ना। करेक्ट, यू ऑल एग्री विद मी, राइट? बहुत ही कम लोग होंगे जो कि ज्यादा लिए और कम दे के गए, बहुत कम गिने चुने लोग रहेंगे जो ज्यादा लेते और पूरा उड़ा के चल जाते और औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़ते। लेकिन कितनी दुख की बात होगी अगर हम जो है अपने माँ बाप से ईमान की दौलत ज्यादा लिए और बच्चों को पास ऑन नहीं करें। ये हमारी जिम्मेदारी एज एल्डर्स ऑफ सोसाइटी, एज पेरेंट्स, हमारी ये जिम्मेदारी कि हम जितना लिए उससे ज्यादा दें, क्योंकि हम दुनिया में तो ये हमारा ये है, दुनिया जितनी लिए उससे ज्यादा हम औलाद को देके जा रहे हैं। एक घर था तो 4 घर दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ईमान की जब बात आ रही, फेथ की जब बात आ रही, हुजूर की मोहब्बत की जब बात आ रही तो हम ले रहे ज्यादा, लेकिन देने की बात जब आ रही तो नहीं। तो उस पर हमारे को फिक्र करना, इसको क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस डीके बोलते हैं, डिग्रेडेशन, डिटेरियरेशन, कुछ भी बोल दो, ये डीके, ये डीके बहुत खतरनाक है। इसकी वजह से आज मुसलमान बच्चों को अगर आप देखें, हमारा फ्यूचर जनरेशन को देखें, तो एक हैबत सी होती है आगे हमारे क्या नस्ल किधर जा रही। सबसे अच्छा तरीका ये जो पास ऑन का है, ईमान पर मेहनत का जो ईमान पे जो मेहनत करने का तरीका है, अगर उस पर वाकई अगर हमको करने का है तो हुजूर की मोहब्बत पे खूब मेहनत करो तो इंशाल्लाह ईमान की मेहनत पे आप लोग कामयाब हो जाएंगे। और हुजूर की मोहब्बत ऐसी दिलों में जगाओ कि जो है बच्चों को खुद ये एहसास हो गया, क्योंकि हर थर्सडे हमारे जो नामे आमाल है हुजूर की बारगाह में पेश होते हैं। क्या हम चाहेंगे कि हमारे गलत आमाल अपने माँ बाप को बताए जाए? नहीं, तो हम कैसा गवारे करेंगे कि हमारे गलत आमाल जो है हुजूर की बारगाह में पेश हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सहाबा जो मोहब्बत करते थे, इतनी क्या बोलते, एक पैशन था उनकी मोहब्बत, एक जुनून था, एक दीवानगी थी। आज हम जब उनके वाकयात को स्टडी करते हैं तो वाकई एक जुनून था उन लोग, राइट? और उन लोग जब हम जिस तरीके से जिंदगी गुजार रहे, सुबह उठ रहे, शाम में सो जा रहे, बगैर कोई दीन की मेहनत, वो लोग हमको दीवाना बोलेंगे। हम उनकी जिंदगी वो लोग कैसा गुजारे वो देख के हम उनको दीवाना बोलते थे, वाकई दीवाने थे वो।
और वो लोग हमको देख के दीवाना बोलते हैं, लेकिन दीवाने दीवाने में फर्क हो जाए, हम वाकई दीवाने थे, वो हुजूर के दीवाने, हम दुनिया के पीछे दीवाने थे। कोई जंग में, कोई जंग में अगर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई कर रहे, कहीं पर से अगर तीर आती या कुछ भी आता तो खुद सहाबा कराम जो है सामने अपना छाती चौड़ी करके खड़े हो जाए ताकि वो तीर उनको लग जाए, हुजूर को ना लगे। ये था उनका जुनून, ये था हुजूर से मोहब्बत, अपनी जान से ज्यादा हुजूर को वो चाहते थे, अपनी जान से ज्यादा चाहते थे। और मोहब्बत हुजूर से वैसी ही करना चाहिए, हम ऐसी मोहब्बत नहीं होना कि हम जो है अपने से, खुद से मोहब्बत करें, अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत करें, पैसे से मोहब्बत करें, घर बार से मोहब्बत करें, फिर सब होने के बाद लास्ट लिस्ट में किसकी मोहब्बत है, हुजूर की। ये जो ईमान की कमजोरी की निशानी है। एक इम्पॉर्टेंट वाकया है, मैं इंशाल्लाह जब मदनी दौर का जिक्र करूंगा तो उसके अंदर भी ये वाकये पे रोशनी डालूंगा, लेकिन सरसरी तौर पे इसको टच करते हुए हम जाएंगे। सबसे ज्यादा हुजूर के क्लोज जो सहाबी थे उनका नाम क्या था, क्या नाम था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला। नबुव्वत से पहले ही आप सबसे करीबी दोस्त थे, नबुव्वत के बाद भी जो है आप क्लोज थे। तो आपका नाम क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला। तो जब हुजूर और हजरत अबू बकर सिद्दीक मदीने की तरफ हिजरत फरमा रहे, आप लोग दोनों रात रात जो है छुप के हिजरत की, राइट? तो जब हिजरत फरमा रहे थे तो चलते चलते हुजूर चल रहे हैं उनके बाजू, हजरत अबू बकर सिद्दीक चल रहे रज़ी अल्लाह ताला, कभी भी सहाबी का नाम आया तो रज़ी अल्लाह ताला, राइट? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक बाजू में चल रहे, चलते चलते क्या हो गया, उनके दिमाग में कुछ बात आई, कभी जो है राइट साइड पे चल रहे, कभी लेफ्ट साइड पे चल रहे, कभी आगे तो फिर कभी पीछे, ये माजरा चलते जा रहा था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते पूछे, ए अबू बकर कर क्या रहे, या तो सीधे हाथ चलो या तो लेफ्ट हैंड साइड चलो, कभी इधर कभी उधर, ये क्या है? तो जवाब सुनिए और लरस जाइए हुजूर की मोहब्बत में। और सहाबा कराम जिस तरीके से हुजूर पे जान फिदा करते थे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब क्या था कि या रसूल अल्लाह, मुझे ये खौफ है कि कभी जो है दुश्मन सीधे हाथ से कहीं अटैक न कर दे, कहीं कोई तीर आ जाए सीधे हाथ से, तो मैं जो है आपके सामने इधर खड़ जाऊं और मेरा पहले वो तीर जो है मेरे बाजू को छन्नी करे, फिर जो है ताकि मैं आपकी हिफाजत करूं, मैं अगर हूं तो मैं पहले आपकी हिफाजत करूं। कभी मेरे दिमाग में यह ख्याल आता कि कहीं दुश्मन जो है वो चट्टान के पीछे से लेफ्ट साइड से आपके ऊपर हमला कर देगा, तो मैं जो है फौरन आपके लेफ्ट साइड पर आ जाऊं। कभी मुझे ख्याल आता कि दुश्मन जो है सामने से आ जाएगा, तो मैं सामने आपकी चलता हूं ताकि अगर दुश्मन अटैक किया तो पहले मेरे पर अटैक। कभी मुझे यह खौफ होता है कि पीछे से दुश्मन आ रहा है तो मैं पीछे चलता हूं। ये क्या था? मोहब्बत। दीवाने ही कर सकते ना काम, है कि ना? तो ये मोहब्बत है। ऐसे कई मिसाल है हुजूर की मोहब्बत में। एक हम एक खाली एक छोटा झलक दिए क्योंकि अपने को बहुत सारी चीज कवर करना है, तो एक एग्जाम्पल दिया मैं कैसा हुजूर की मोहब्बत में कैसा लोग अपने आप को फना कर देते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद एक हदीस है, हुजूर फरमाते हैं, यू हैव नॉट टेस्टेड द स्वीटनेस ऑफ ईमान। क्या फरमा रहे हुजूर? यू हैव नॉट टेस्टेड द स्वीटनेस ऑफ ईमान, मतलब ईमान में भी मिठास है, करेक्ट? टेस्ट भी नहीं किए हुए कौन? अंटिल द लव, अंटिल अल्लाह एंड हिज मैसेंजर आर मोर बिलवड देन हिज ओन सेल्फ। बस समझ में आ रही? जब तक अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हमारे खुद की जान से ज्यादा अजीज नहीं है तो वो ईमान की मिठास को चका भी नहीं। मा जाका हलावत ईमान हत्ता, मा जाका बोले तो चका, हलावत तेज मिठास, हत्ता मतलब अंटिल, यकून अल्लाह व रसूल अल्लाह अहब इलैक मिन सिवाहुम, मतलब अपनी जान से ज्यादा जब तक वो हुजूर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं है तो वो मिठास को नहीं चाहता। ये कब का वाकया है? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को हुजूर ये होता था। एक मतलब जो है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला कौन है? सेकंड खलीफा,
پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق، سیکنڈ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. حضور فرماتے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. وہ عمر سے حضور کیا ارشاد فرما رہے کہ اے عمر تم میرے کو مجھے کتنا چاہتے؟ تو بولے کہ میں جو ہے پہلے خود کو چاہتا ہوں اس کے بعد آپ کو چاہتا ہوں. تو حضور فرمائے کہ نہیں تمہارا ایمان مکمل نہیں. تو ایسا ہوتے ہوتے جب وہ بولے فائنلی کہ یا رسول اللہ میں آپ کو پہلے چاہتا ہوں، سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، اس کے بعد میں مجھے اور میرے ماں باپ کو چاہتا ہوں. تو جب حضور فرمائے کہ ہاں اب تمہارا ایمان مکمل، تو سنو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد. تو حضور کی حدیث بھی ہم سن لیے کہ یو ہیو ناٹ ٹیسٹڈ دا سویٹنس آف ایمان انٹل اللہ اینڈ ہز میسنجر آر مور بلوڈ دین یور اون سیلف. اور جو میلاد کا جو ہم یہ جو محافل کرتے سال کے 11 مہینے جو ہے حضور کے تعلیمات کے اوپر چرچا ہوتی ہے. کبھی اگر ذی الحج کا موقع ہے تو حج کے بارے میں سنتے ہیں، کبھی بقرعید کا موقع ہے تو ابراہیم علیہ السلام اور بقرعید کے مسئلے مسائل سارے سنتے ہیں، رائٹ. رمضان آیا تو زکوٰۃ کے مسائل، روزے کے مسائل، سارا کچھ 11 مہینے تعلیمات پہ. It is a process of learning all the teachings pertaining to all the ibadat. But when Rabi ul Awwal ka chand nazar aata, to kya hota? Jaise hi Rabi ul Awwal ka chand nazar aata, to jo hai kahin kahin par jo hai mahafil ka inikhad hota. Ye sab mahafil mein kya hote? Koi jo hai naat ki mahafil kar raha hai, koi huzoor ke charche kar raha hai, koi huzoor kaise dikhte the unki khoobsurti ka zikr kar raha hai, koi jo hai huzoor ke ماں باپ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی حضور کے صحابہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی جو ہے حضور کیسا مکے کی وادی میں کیسا زندگی بسر کی وہ ذکر ہو رہا ہے، کوئی جو ہے مدینے کی لائف کے بارے میں ذکر کر رہا ہے، کوئی حضور کے فیملی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. الغرض کہیں کہیں پر یہ پورا سیرت پہ یہ مہینے پہ ورک ہوگا. تو جدھر بھی ہو حاصل کرنا، کیونکہ دس از دا فاؤنڈیشن. اگر اس میں کمی ہے تو آپ کی نالج اگر اپنے نبی کے بارے میں کمی ہے. آج ہم دیکھتے کہ آپ کوئی بھی اس کے بارے میں پوچھ لو آج کے یگسٹرس میں، دے نو ان اینڈ آؤٹ اگر کوئی سائنسز کے بارے میں، کس کے بارے میں، لیکن وین اٹ کمس ٹو آر اون پروفٹ نالج کی کمی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری. یہ لوگ اس پہ محنت کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ حضور کے بارے میں جب جانیں گے تو اور آبویسلی ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ جو ہے عربوں سے فرما رہے جس طریقے سے تم اپنے باپ دادے کا ذکر کرتے ہو اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کرو. پہلے کے زمانے میں جو عرب لوگ تھے دے یوز ٹو ٹیک پرائڈ اپنی نسب، کون سے خاندان قبیلے سے تھے، ان کے باپ دادا کیا کیا کام کیے تھے، کتنے جنگ ہوئے تھے، کتنی جنگ میں وہ لوگ ٹیک پارٹ کیے تھے، یہ پرائڈ کے ساتھ وہ لوگ بیان کرتے رہتے تھے. تو عربوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ تم جس طریقے سے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو اسی طریقے سے جو ہے اللہ کا ذکر کرو. برتھ ڈے مناؤ، آج لوگ جو ہے برتھ ڈے منانے پہ پابندی لگا دے. برتھ ڈے منانا کہیں پر شریعت نے منع نہیں کرنا، کبھی کسی کے جان پہ بوال نہیں بن جانا. کوئی جو ہے قرضہ لے کے بڑی سی پارٹی کر رہا ہے، ایک بڑی ہوٹل میں بکنگ کر کے، یہ سارا جان کے وبال ہے، اس سے منع ہے، اسراف سے منع ہے. کوئی اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں اپنے برتھ ڈے کے ٹائم پہ روزہ بھی رہتے ہیں، شکرانہ بھی ادا کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، کئی طرح کے. جیسا ہی دماغ میں برتھ ڈے آیا تو دماغ میں آ گیا کہ نہیں دس ناٹ الاؤڈ ہے. زمانے میں ہر چیز چلتی ہے، منع نہیں ہے، منع کہیں پر بھی نہیں ہے. اور حضور کا جب پیدائش کا ذکر آیا تو پھر یہ بھی تو حضور کی پیدائش کا دن ہے، رائٹ. تو حضور کی محبت کا جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اٹ از لائک اے تڑکا. تڑکا سمجھتے ہو آپ لوگ؟ سمجھتے ہو تڑکا؟ تڑکا چڑا بڑا دال، تڑکا تڑکے میں تڑکا دیتے دال، چڑا بڑا میں سمجھاتا ہوں. یہ تڑکا اگر دیکھو فار ایگزامپل ہم لہسن لے لیے یا پیاز لے لیے،
अगर कोई लेडीज जो है लहसुन कभी छीले लहसुन लहसुन अगर छीले तो दिन भर जो है उसकी खुशबू बोलो बदबू बोलो वो हाथ में दिन भर रहती है। आप विम से धो रिम से धो कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो दिन भर रहती है राइट। लेकिन वही लहसुन वही प्याज को जो है आप काटो काट के जो है घी में या तेल में डालो और फिर आंच पर रख के उसको तड़का दो क्या हो जाता है इतनी खुशबू महकती है। अब आती खुशबू पहले क्या आती थी बदबू आती थी। मना है कच्ची प्याज खा के मस्जिद में आना मना है। तो आप अब मेरे को बोलो वो खुशबू है बदबू है फरिश्ते नहीं आते नजदीक। अगर कोई कच्ची प्याज खा के गया तो फरिश्ते आते नहीं नजदीक। तो तड़के से क्या हो रहा है बदबू इज टर्निंग इनटू खुशबू। तो वैसे ही हुजूर की मोहब्बत क्या है एक तड़का है। बात समझ रहे हैं हम गुनाह गुनाह करते जा रहे तो क्या हो रहा है उससे हमारे जिस्म बदबूदार हो गए गुनाहों की बदबू हमारे जिस्म से आ रही। लेकिन जब हुजूर की मोहब्बत का तड़का अगर हमारी जिंदगी में लग गया तो फिर क्या होगा खुशबू बिखरने लगेंगे। जब तड़का देते घर पे तो अगर कोई लिफ्ट में से भी जा रहा है तो पता चलता है कि उसके अंदर कुछ पक रहा है होता वाकई होता सारे मोहल्ले में मालूम पड़ता कि इधर कुछ स्पेशल पकाया जा रहा है कि नहीं। तो वैसे ही अगर कोई किसी के दिल में अगर हुजूर की मोहब्बत का तड़का दे दिया गया उन्हें किधर भी बैठने दो वो अपनी खुशबू बिखरते रहता उसका फैज चालू रहता। हम गुनहगार हैं प्याज और लहसुन की तरह बदबूदार हैं। अगर हम खुद को ईमान के घी में ये सुनिए अगर हम खुद को ईमान के घी या तेल में डालकर इश्क रसूल का तड़का लगाएं फिर देखो क्या होता है हम ऑटोमेटिकली खुशबूदार हो जाएंगे। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ गुलाब की पत्तियों में अगर एक पानी ले लो पानी का लोटा ले लो उसमें चंद गुलाब की पत्तियां रख दो 24 घंटे रख दो क्या असर होगा वो पानी में आएगा गुलाब की खुशबू आएंगी आएंगी थोड़ी सी धीमी धीमी सी खुशबू वो पानी में आ जाएंगे गुलाब की जो असर गुलाब का जो असर है पानी में आ जाएंगे। लेकिन ये इसी चीज को यही प्रोसेस को अगर आप फिर वापस तड़का दो उसको पानी लियो गुलाब के पत्तियां लियो और फिर उबालो उसको एक घंटा करो आप 24 घंटे में उतनी महक नहीं आई थी एक घंटे में उतनी महक आ जाएगी। और फिर वही पानी को आप अगर बेचेंगे तो शीशियों में 100-100 रुपए 150-200 रुपए से बिकेगा। क्या बोलते हैं इसको इसको तड़का बोलते ये असर है ये जो आग पे जो जलाने का असर है ना इसको असर है इसको तड़का बोलते हैं। अब समझ में आया तड़का आप लोगों को। और अब ये तड़का होने के बाद अगर दुरूद का हम बारहा जिक्र करते रहे बार बार दुरूद पढ़ते रहे तो हुजूर की मोहब्बत की अलामत है। दुरूद शरीफ पढ़ना क्या है हुजूर की मोहब्बत की अलामत है। कोई भी ऐसा अमल नहीं है यहाँ तक कि आप नमाज पढ़ो ज़कात दो हज करो अल्लाह के घर का जाके तवाफ भी करके आओ कोई गारंटी नहीं है कि वो कबूल होगा। लेकिन एक ही अमल ऐसा है दुरूद शरीफ कि आप जैसा ही दुरूद पढ़ो कबूल होता अल्लाह की बारगाह में कबूल होता यहाँ तक के आपके गुनाह भी माफ होते और आपके दर्जात भी बुलंद होते। तो ये थ्री वे चलता आपके गुनाह माफ हो रहे आपके दर्जात बुलंद हो रहे और आपको लेकिन भी तड़का क्या किया टू वे चला राइट बदबू को निकाला खुशबू डाला। लेकिन दुरूद क्या कर रहा है थ्री वे चल रहा गुनाह माफ हो रहे दर्जात बुलंद हो रहे नेकी भी मिल रही राइट। तो अब जो है ये इख्तिसार के साथ जो है एक हुजूर की मोहब्बत के ऊपर एक रोशनी डाली गई आपके आपके खिदमत में। अब इंशाल्लाह हम हुजूर की विलादत के टाइम पे क्या क्या वाकयात हुए क्या क्या मुजजात हुए उसका जिक्र करेंगे। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है का जो नूर है अल्लाह ताला सबसे पहले अल्लाह ने हुजूर के नूर को बनाया। सबसे पहले जो बनाया अल्लाह ताला कायनात ये जमीन आसमान सब चीज बनाने से पहले किसका नूर को पैदा फरमाया हुजूर के नूर को पैदा फरमाया। तो उस वक्त सिर्फ अल्लाह था और हुजूर का नूर था। कई अरसा गुजर जाए सिर्फ अल्लाह ताला नूर को देखता था और नूर जो है अल्लाह की इबादत का कई साल कई लाख हजार साल लाख मालूम कितने
कई साल के बाद अल्लाह ने अरवाहे अंबिया बनाए, रूह बनाए। अंबिया, अंबिया समझते ना, प्रॉफिट्स। कितने प्रॉफिट्स आए थे? कमो पेश 1,44,000 प्रॉफिट्स आए थे आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुजूर तक, राइट। तो ये सारे अरवाह को पैदा किया, और जब ये सारे अरवाह, अरवाह समझते ना रूह, अरवाह रूह का प्लूरल अरवाह का, सारे अरवाह को पैदा कर दिया। तो एक प्लेज हुआ बाकायदा, अल्लाह ताला ये सारे अरवाह को जमा करके एक प्लेज लिए। ये इरशाद फरमाया कि मैं जो है एक आखिरी नबी को भेजूंगा दुनिया में, जिसका नाम रहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब ये आखिरी नबी आएंगे तो सारे लोग तुम उन पर ईमान लेकर के, तो सारे अंबिया के अरवाह जो रूह थे, रूह मुबारक, वो सारे पॉजिटिवली जवाब दिए, हाँ अल्लाह हम जब ये आखिरी नबी दुनिया में आएंगे तो हम उनके ऊपर जो है ईमान लेकर के आएंगे। ये प्लेज हुआ बाकायदा। सहाबा ने पूछा हुजूर से, हुजूर अब ये तो सबसे पहले हुजूर की नूर पैदा हुआ, सहाबा का नाम पूछ रहे हुजूर से, हुजूर आपको नबूवत कब मिली? हम सुनते ना कि हुजूर जो है जब 43 इयर्स के हो गए थे जब नबूवत का ऐलान किए, राइट, 23 इयर्स नबूवत दुनिया में आपकी थी। तो अब देखो सहाबा करम का क्वेश्चन क्या है, हुजूर आपको नबूवत कब मिली, आप कब से नबी थे? हुजूर फरमाते हैं जब आदम अलैहिस्सलाम की तखलीद हुई नहीं थी उससे पहले मैं नबी था, मतलब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बनाने से पहले ही नबी हुजूर नबी थे, नबूवत हुजूर को पहले ही अता की गई थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला सरकार से पूछ रहे हैं आप नबी कब बने या आप नबी कब बनाए गए? हुजूर फरमाए जब 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 जो है आदम अलैहिस्सलाम का खमीर अभी बनाया नहीं गया था, खमीर बोले तो मिट्टी से, मिट्टी के गाढ़े से हुजूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया गया, जब वो भी खमीर भी तैयार नहीं हुआ था, जब इसे मैं जो है नबी हूं, तो हमको अंदाजा हो गया कि अगर कोई बोले कि हुजूर को नबूवत कब मिली तो 40 इयर्स पे नहीं, सबसे पहले जब कुछ था ही नहीं, जब इसे जो है आदम अलैहिस्सलाम भी नहीं बने थे तभी से हुजूर नबी है। क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम को जब रूह फूकी गई उनके जिस्म में और जब उनकी आंख से देखे तो जो अल्लाह का अर्श था, जब अल्लाह का अर्श के पीछे कलिमा लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब कोई हस्ती रहेंगी तभी तो जाके बना होगा, राइट। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अभी आए नहीं और वो कैसा आ गया फिर? तो पहले ही, सबसे पहले अल्लाह ताला नबी को अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का वो अता कर दिया था। इसके लिए आदम अलैहिस्सलाम जो है जब देखे थे उसके ऊपर। और आगे हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मैं नबी था, सबसे पहले मुझे नबूवत अता की गई, लेकिन मैं दुनिया में सबसे आखिर में आया। जो सीरीज ऑफ नबी चले दुनिया में, सबसे आखिर में कौन आया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब हुजूर की बारगाह में आए तो हुजूर फरमाए कि हुजूर पूछ रहे ए जिब्राइल बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्राइल को जानते हो सब लोग, एंजल, एंजल के अलावा क्या काम था उनका? जो भी अल्लाह की वही आती थी, कम्युनिकेशन होता था अल्लाह और नबियों के बीच में, वो कौन से भी नबी रहे तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुजूर तक, उनका किस कौन से फरिश्ते का काम था? ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम का। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हुजूर पूछ रहे ए जिब्राइल जरा ये तो बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्राइल ने फरमाया उम्र का तो पता नहीं, लेकिन उम्र का तो पता नहीं पर सारी दुनिया बनने से पहले एक सितारा चमकता था। मेरी उम्र का तो कोई मुझे पता नहीं लेकिन एक सितारा चमकता था। मैं आपके लिए रिमाइंड कर रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछे कि ए जिब्राइल ये तो बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है, राइट। जिब्राइल उनकी ड्यूटी क्या थी? सारे नबियों तक अल्लाह की वही पहुंचाना, ही वाज अपॉइंटेड फॉर दिस वेरी पर्पस। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते कि मुझे तो मेरी उम्र का पता नहीं है लेकिन सारी दुनिया, सारी चीज बनने से पहले एक सितारा चमकता था,
और ये सितारा 70,000 साल के बाद एक मरतबा चमकता है। आफ्टर ए पीरियड ऑफ 70,000 ईयर्स एक मरतबा वो नूर का सितारा चमकता था, और मैंने ये सितारे को 72,000 मरतबा देखा। 72 बोले तो 72,000 times मैंने ये सितारे को चमकते हुए देखा। तो आप मल्टीप्लाई करो अब उनकी उम्र कितनी होगी और आप सोच लो। तो हुजूर क्या इरशाद फरमा रहे हैं आप, ए जिब्राइल अल्लाह की इज्जत की कसम, क्या इरशाद फरमा रहे हुजूर, अल्लाह की इज्जत की कसम वो सितारा मेरा नूर था। ये किसका नूर था, ये हुजूर का नूर था, मतलब हुजूर जिब्राइल अलैहिस्सलाम से भी पहले, कितने पहले आप ये तो एक एक हुआ और इतने कैलकुलेशन से आगे हुजूर का नूर था। हुजूर का नूर सबसे पहले अल्लाह ताला ने हुजूर के नूर की तकलीद फरमाई को पैदा फरमाया, राइट। तो अब सबसे पहले जो इंसान को बन जी लास्ट में अभी से पूछे तो सब राइट आंसर देंगे तो सबसे पहले जो इंसान को अल्लाह ताला बनाए इनका नाम क्या है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ये अपने दोस्त नहीं है, ये अल्लाह के नबी है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, राइट। तो सबसे पहले दुनिया में जो इंसान जो नबी आए इंसान आया हर चीज में आप पहले थे, राइट। तो नसर वो जो नूर था अल्लाह हुजूर का नूर था आदम अलैहिस्सलाम से होते 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 नसल दर नसल पाक मर्दों और पाक औरतों के थ्रू होते होते हजरत अब्दुल्ला तक पहुंचा। अब जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आया ये नूर, राइट, हुजूर का नूर, क्योंकि दुनिया में आना था, एक प्रोसेस अल्लाह ताला ने बयान किया, एक तरीका है। तो जब आदम अलैहिस्सलाम के जो औलाद होती थी वो ट्विंस होते थे, आप लोग को मालूम है ट्विंस होते थे, एक लड़का होता था एक लड़की होती थी हमेशा, सेकेंड जो होते थे फिर वापस एक लड़का एक लड़की, राइट। तो जब हजरत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो ट्विन नहीं हुए थे आपके, आपके ट्विन नहीं हुए थे, आप अकेले पैदा हुए। तो आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी आए उनका नाम क्या है, शीश। नेक्स्ट कर दो, कंटिन्यू रखो कि नेक्स्ट कर दो, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो क्या होता था, आदम अलैहिस्सलाम के जो बच्चे होते थे उन लोग कपल्स ट्विंस होते थे, सॉरी कपल्स नहीं ट्विंस होते थे, राइट। जब नेक्स्ट नबी की बारी आई तो अल्लाह ताला का निजाम देखो क्या प्यारा निजाम है, एक ही को पैदा, सुभान अल्लाह, उधर भी डिविजन नहीं था अल्लाह ताला, एक ही शीश, हजरत शीश अलैहिस्सलाम। तो आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी आए हजरत शीश अलैहिस्सलाम, फिर नूह अलैहिस्सलाम, चलते 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 हजरत अब्दुल मुतल्लिब के पास आए, राइट। जब अब्दुल मुतल्लिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब ये नूर था तो माथे पे जो है एक अलग अजीब रौनक चमक धमक होती थी, और जब उनके 11 बच्चे थे, अब्दुल मुतल्लिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कितने बच्चे थे, 11 थे, 11 में से सबसे आखिरी बच्चे हजरत अब्दुल्ला, उनके माथे पे वो नूर आया। तो जब हजरत अब्दुल्ला मक्के की वादियों में जब चलते थे तो वहां की औरतें ये चाहत करती थी कि आपसे निकाह, क्योंकि ये वो औरतें ऐसी वैसी नहीं थी, ये लोग बाकायदा किताब पढ़ के उनको मालूमात थे कि ये जो माथे पे जो चमक है जो नूर है ये किसका नूर है, बाकायदा जो है किताब में नाम आया औरत थी उनका नाम फातिमा नाम आया, सुभान अल्लाह। तो फातिमा का भी ये था, उन्होंने जो है खुद से जाके
جو لیڈی تھی فاطمہ انہوں خود جو ہے حضرت عبداللہ کی بارگاہ میں جو ہے پروپوزل بھیجتے تھے کہ آپ جو ہے, کیونکہ انہوں موسیٰ علیہ السلام کی کتابیں جتنی بھی اللہ کی آسمانی کتابیں آتے ساروں کا مطالعہ کیے تھے کہ کی اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نشاندہی کیے تھے کہ آخری نبی یہ مقام پہ آئیں گے کریں, اور ان کی نشانیاں بیان آلریڈی ہو چکے تھے. تو انہیں جو ہے پروپوزل بھیجاتے تھے عبداللہ کی بارگاہ میں کہ جو ہے حضرت عبداللہ کی بارگاہ میں کہ آپ جو ہے ہمارے سے نکاح کریں, لیکن حضرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. آپ کا نکاح جو ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کس کے ساتھ ہوا؟ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ. تو جب آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا تو نور جو ہے حضرت عبداللہ سے جو ہے حضرت آمینہ کے بطن درشن چلے گئے. تو جب پھر واپس جب عبداللہ جو ہے حضرت عبداللہ مکے کی گلیوں میں چل رہے تھے تو وہ جو لیڈیز جو بے چینی سے اور بے قراری سے جو دیکھتے تھے تکتے تھے آپ کو, وہ عالم نہیں تھا. حالانکہ یہ جو لیڈی تھے ان کا بھی جب سامنا ہوا تو وہ خاموش ہو گئے. تو جب حضرت عبداللہ نے پوچھا ان سے کہ کیا ماجرا ہے, پہلے تو تم مجھے خود نکاح کا پیام دیتے تھے لیکن آج یہ بات نہیں ہے, کیا وجہ؟ تو وہ خود ارشاد فرماتے کہ تمہارے جو ماتھے پہ جو نور تھا آج وہ نور تمہارے پاس نہیں ہے, وہ نور کی خاطر ہم تمہارے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو نور تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایک مبارک تھا. ہم اب جو ہے مغرب کے لیے بریک لیں گے, مغرب کا ٹائم ہو گیا نا, ہم لوگ مغرب کا بریک لیتے ہیں. مغرب کے بعد جو ہے کیسا پیدائش ہوئی وہ سارا وائنڈ اپ کریں گے. ہم بھی آ کر جلدی سے لال بٹن, لال بٹن, لال بٹن.